और जो घूम फिर कर बहुत आता है मेरे पास कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए और कितने पैसे रखने तक हम सेफ हैं और हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। हालांकि इसके ऊपर डिटेल में कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस ईयर के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि 2024 के हिसाब से ये वीडियो आपको दी जा रही है। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। अकाउंट की एक सर्टेन लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि आपके अकाउंट में ये पैसा किस लिए आया और क्यों आया। आपको जस्टिफाई करना होता है कि जो पैसा एक्सेस हुआ है वो आपने कहाँ से लिया है, यानी कि उसकी सोर्स क्या है। अगर आप उसकी सोर्स को बता देते हैं या आप फाइल रिटर्न कर देते हैं, यानी टैक्स फाइल को रिटर्न कर देते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप सोर्स को नहीं बता पाते और इनकम टैक्स फाइल भी नहीं करते। ऐसे केसेस में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई नहीं हो इसलिए आप अपने कागजों को पूर्णतः सत्यापित रखें, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन रखें, यानी कि उसके जो सोर्सेज हैं उसका अता पता ज़रूर रखें। अब सवाल ये उठता है कि कितने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने एक सेविंग अकाउंट के अंदर कितने पैसे रख सकते हैं। यहाँ पर रखने की जब बात आती है तो आप 10 लाख रुपए तक का डिपॉजिट यहाँ पर एक अकाउंट में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक अकाउंट की लिमिट है। लेकिन अगर आपके पास दो अकाउंट है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप 20 लाख रुपए रखेंगे। इसका मतलब यही है कि आपके दो अकाउंट भी हैं तो टोटल सेविंग अकाउंट की 10 लाख ही रखी गई है। आपके एक अकाउंट है तो भी और दो अकाउंट है तो भी। अब आप कहेंगे कि हम एक स्टूडेंट हैं और हमारे पापा हमारे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उस केस में हमें क्या करना है। बहुत सिंपल है, अगर आपके पापा आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं और आपके पास अगर उस तरीके का कोई नोटिस आता है तो आपको ये कहना होगा कि मैंने ये पैसे अपने फादर से लिए हैं। इसके साथ साथ फिर इंक्वायरी आपके फादर पर जाएगी। अगर फादर इनकम टैक्स भरते होंगे, यानी कि फाइल रिटर्न करते होंगे और सोर्स बताते होंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। इसमें एक केस और हमें देखने को मिलता है और वो होता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी या आपने बेची। अगर आपने खरीदी है तो आपने बहुत जगह से लोन लिया होगा, आपने बेची है तो आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए होंगे। तो यहाँ पर भी सेम बात आ जाती है कि आपको कागज़ पूरे रखने हैं। अगर आपके कागज़ यहाँ पर पूरे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। वहीं जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो सैलरी लेते हैं, आज की डेट में 1 लाख रुपए सैलरी होना आराम से मिल जाती है। तो अगेन आपको ये देखना होता है कि आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में आएगी, सेविंग अकाउंट में आएगी, तो आप इनकम टैक्स की कौन सी स्लैब में आते हैं। अगर आप स्लैब जिस भी स्लैब में आते हैं, यानी 10% में आते हैं, 20% में आते हैं, 30% में आते हैं, उसके हिसाब से अपना टैक्स को आपने पे करना है। अगर आप सही से पे कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप नंबर एक में रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अपने ही पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, उस केस में आपसे इनकम टैक्स कार्रवाई कर सकता है। और वो कार्रवाई भी ऐसे नहीं होती है कि वो आपके अकाउंट को बेसिकली देख रहा है। जब आपके अकाउंट के अंदर कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तब जो मैनेजर साहब होते हैं, ब्रांच मैनेजर साहब होते हैं, वो कुछ रिपोर्ट्स आपकी भेज देते हैं, उसके बिना पर आपके जो नोटिस हैं वो जनरेट होते हैं। तो 100 बात की एक बात है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा एक्सेस है और आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो जस्टिफाई कराइए कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया, जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट का केस बताया। वहीं अगर आप एक व्यापारी हैं और UPI के थ्रू पेमेंट लेते हैं और अपने अभी भी आप सेविंग अकाउंट के अंदर ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप एक दुकान चलाते हैं या अगर आप कुछ भी चलाते हैं तो सेविंग अकाउंट के अंदर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन मत कराइए, उसके लिए करंट अकाउंट रखिए, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सेविंग अकाउंट में मत करिए, आप हमेशा उसके लिए एक करंट अकाउंट खोल लीजिए,
उसमें आपको और भी बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपके कागज़ पूरे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके कागज़ पूरे नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नोटिस आए तो घबराइए मत, जवाब दीजिए, अपने सोर्स बताइए कि किस सोर्स से आपने वो पैसे लिए हैं। आगे मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।